सो वॉट्सअप गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रीन स्क्रीन के रिगार्डिंग जो कि काफी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं इफेक्ट की लाइट ठीक है सो बेसिकली आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या फंडामेंटल्स होते हैं इसके साथ साथ क्या क्या, -क्या प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप लोग ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो के ऊपर काम करो सो so, वीडियो को शुरू करते हैं सो so, मैंने यहाँ पे वीडियो को इंपोर्ट कर लिया है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे अपने यहाँ पे करेंगे फुटेज को सिलेक्ट और सिंपली यहाँ पे जाएंगे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में और यहाँ पे टाइप करेंगे रिमूव ग्रेन और इसको करेंगे सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कुछ इस टाइप से इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे आप इसे कर दो सिंपली फाइनल आउटपुट इसके बाद जाएंगे यहाँ पे नॉइस के अंदर और सिंपली यहाँ पे इसका जो भी नॉइस रिडक्शन है इसे हम यहाँ पे कर देंगे अराउंड 0.2 कुछ इस टाइप से ठीक है बेसिकली अपनी फुटेज के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं इसके बाद क्या करना है आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है आपको यहाँ पे एक रफ़ मास्क यहाँ पे ड्रॉ करना है फॉर एग्जाम्पल सिंपली मैं यहाँ पे गया पेन टुल के ऊपर और मैंने यहाँ पे एक रफ मास्क यहाँ पे ड्रॉ कर दिया मेक श्योर आपके यहाँ पे लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए ठीक है इसके बाद आपने यहाँ पे प्रेस किया डबल एम अभी मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ सिंपली नन एक की लगा दी एंड देन कुछ फ्रेम आगे गए और इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसे कुछ इस टाइप से सेट कर लिया ठीक है ना ऐसे आपको कुछ फ्रेम आगे जाना है एज पर सब्जेक्ट मूवमेंट ठीक है एक प्रोसेस हमारे पास ये होता है एक प्रोसेस हमारे पास एक और है उसकी बात में वीडियो के आगे करूंगा उससे आपका टाइम काफी बच जाएगा सो so, अभी हम लोग यहाँ पे इसको मास्क क्यों कर रहे हैं इसको समझते हैं जैसे मान लो अगर अभी मैं यहाँ पे इसको अगर मास्क नहीं करता हूं सो इन दैट कंडीशन क्या होगा की लाइट पूरी फुटेज को यहाँ पे स्कैन करेगा और हो सकता है हमें कई बार रिजल्ट अच्छे ना मिले इसीलिए हम लोग क्या करते हैं एक रफ मास्क बनाते हैं सो so दैट सिर्फ मास्क वाले पार्ट के अंदर की लाइट चीज़ों को स्कैन करेगा ठीक है अब इसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे सिंपली इसे करना है सब्सट्रैक्ट और आप इसे यहाँ पे सॉरी ऐड कर दो और सिंपली आप क्या करो इसके ऊपर करो यहाँ पे राइट right क्लिक और यहाँ पे इसे कर दो आप प्री कम्पोज और यहाँ पे हम इसे कर देते हैं सिंपली की लाइट देन ओके अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे गया सिंपली और मैंने यहाँ पे टाइप किया की 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 टाइप करने के बाद अभी हमें यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं पहला ऑप्शन क्या है की लाइट जो कि नॉर्मली होता है उसके बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन और मिल रहा है देखने को वो क्या है की लाइट प्लस स्पिल सप्रेशर ठीक है अगर मैं यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर इसे करता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप सो क्या होगा की लाइट के साथ हमें यहाँ पे दो ऑप्शन और यहाँ पे देखने को मिलेंगे विच इज़ कॉल्ड की क्लीनर एंड एडवांस स्पिल सप्रैशर ठीक है आप इसको मैनुअली भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग लेकिन यहाँ पे हमें ये फीचर मिलता है इसके बाद हम लोग आगे करेंगे ठीक है इसका सिंपल यूज़ है मैं क्या कर रहा हूँ वापस से इसको यहाँ पे कर रहा हूँ डिलीट और यहाँ से इसको अप्लाई कर रहा हूँ की लाइट बात एक ही है बट हो सकता है किसी को समझ में ना आए सो मैं इसे मैनुअली अप्लाई कर रहा हूँ अब यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले की लाइट क्या करता है सो so, की लाइट क्या करता है बेसिकली किसी भी एक कलर को रिमूव करता है हो सकता है वो कलर ग्रीन हो या ब्लू हो इट मीन्स ग्रीन स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन ठीक है इसके साथ साथ की लाइट फुटेज का अल्फा क्रिएट करता है अल्फा मतलब अभी हम यहाँ पे समझेंगे इसको आगे ठीक है सो अब समझते हैं की लाइट काम कैसे करता है सो so, गाइस की लाइट काम करता है सेचुरेशन के ऊपर इट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ कलर अब ये क्या होता है इसको समझेंगे थोड़ी देर बाद ठीक है यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे सिंपली चेंज करना इसका स्क्रीन कलर सो so, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे इसे करेंगे पिक ठीक है पिक करने के बाद ये क्या करेगा हम यहाँ पे कुछ इस टाइप से आउटपुट प्रोवाइड करेगा और अभी मैं यहाँ पे एक यूज कर रहा हूँ बैकग्राउंड अब एक बात ध्यान रखना अगर मैं यहाँ इसे करता हूँ सिंपली स्क्रीन मैट सो so, क्या होगा ये हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप से वाइट प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ पे साइड में ब्लैक है अब मैंने यहाँ पे बात की थी स्टार्टिंग में ये अल्फा को जनरेट करता है दिस इज कॉल्ड अल्फा जो आपको वाइट पार्ट देखने को मिल रहा है दैट इज कॉल्ड अल्फा क्योंकि हमें अल्फा मिल जाता है इसी के कारण हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड में कोई चीज ऐड कर पाते हैं अगर हमारे पास अल्फा नहीं मिलेगा सो so हम इसको बैकग्राउंड में कंबाइन नहीं कर पाएंगे बैकग्राउंड के साथ ठीक है ना सेकंड थिंग इज दैट कई बार क्या होता है बच्चे लोग एक गलती करते हैं वो क्या है जैसे मान लो यहाँ पे स्क्रीन कलर को पिक किया उसके बाद अगेन यहाँ पे किसी और एरिया से यहाँ पे पिक कर लेते हैं कुछ इस टाइप से सो so, प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलती है समथिंग लाइक दिस ठीक है ना वो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे चीजों को यहाँ पे पिक करते हैं विच इज जस्ट अ रॉन्ग मैथड ठीक है इसको आप कैसे करेंगे जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कलर पिक किया ठीक है अब मुझे यहाँ पे इसका सैम्पल एरिया चेंज करना है सो so, पहला मेथड क्या होता है सिंपली यहाँ पे इसकी आइज को क्लोज करो और वापस से जाओ और यहाँ पे इसका सैंपल कलर या सैंपल एरिया चेंज करो कुछ इस टाइप से वापस से आप लोग यहाँ पे इसके आइस को ओपन कर सकते हैं चीज़ें हमारी सही से काम करेंगी अदरवाइज सिंपली यहाँ पे जाओ सोर्स में और जो भी आपको यहाँ पे कलर चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे पिक कर सकते हैं आप लोग ठीक है वापस से आ जाओ फाइनल रिजल्ट के ऊपर सो so, चीज़ें यहाँ पर कुछ इस टाइप से काम करेगी अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि लाइट काम कैसे करता है सो इसके लिए मैं आप एक फ़ुटेज को ओपन कर रहा हूँ सो so, मैंने यहाँ पे एक और फुटेज को इम्पोर्ट कर लिया है और सिंपली मैं यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ की लाइट ठीक है अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर के साथ यहाँ पे इसके मल्टीपल शेड्स भी हैं या हम बोल सकते हैं टोन्स भी हैं जैसे मान लो यहाँ पे ग्रीन लाइट है सो यहाँ पे बहुत डार्क है यहाँ पे कहीं पे और लाइट है ठीक है इट मीन्स यहाँ पे हमें डिफरेंट वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं एक कलर के अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसे करता हूँ चेंज कुछ इस टाइप से ठीक है और इसके ऊपर अगर मैं कोई भी यहाँ पे एक बैकग्राउंड लगाता हूँ सो नाउ वी कैन सी हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप से प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलेगी समथिंग लाइक दिस ठीक है और कहीं ना कहीं इसको फिक्स करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा क्यों ऐसा क्यों बिकॉज हमारी यहाँ पे लाइटिंग सही नहीं थी यहाँ पे सेचुरेशन ऑफ कलर मल्टीपल थे ठीक है एक ही कलर्स के यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिले ठीक है ना सो so आपको ये बात ध्यान रखनी है जब भी आप लोग ग्रीन स्क्रीन शूट करेंगे मेक श्योर sure आपकी लाइट प्रॉपर सही होनी चाहिए शेडोज वाला पार्ट नहीं आना चाहिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शेडोज ओवरलैप हो रही है कुछ इस टाइप से थर्ड थिंग इज कभी भी आप लोग ग्रीन स्क्रीन शूट करते हो सो मेक श्योर आप कोई भी ग्रीन कपड़ा मत पहनना अब इसके बाद एक चीज और समझते हैं सिंपली मैं वापस यहाँ पे आ रहा हूँ स्क्रीन कलर में कभी भी आप लोग यहाँ पे स्क्रीन कलर पिक करो मेक श्योर sure कभी भी आपको रिफ्लेक्शन वाले पार्ट से कलर को पिक नहीं करना है ठीक है उसको अवॉइड करना है अब फॉर एग्जांपल, अभी हमारे यहाँ पे सीन में बेसिकली कोई भी रिफ्लेक्शन वाला पार्ट नहीं है बट अगर आप कोई ऐसा सीन आप रिमूव कर रहे हैं जो कि कोई गाड़ी का सीन है उस टाइम पे आप लोग ऐसा कुछ देखना जहाँ पे रिफ्लेक्शन ना हो ठीक है अदरवाइज प्रॉब्लम आपको होगी सो so, यहाँ पे हमने ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर दिया है बट अभी इसके अंदर काफी सारे इश्यूज हैं उसको हम लोग समझते हैं सो so, सिंपली मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैं ऐसे कर रहा हूँ स्क्रीन मैट अभी हम यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं इन सब की बात करेंगे सो so, मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर रहा हूँ स्क्रीन मैट के ऊपर अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना अगर कभी भी आप लोग की लाइट यूज करते हो सो so, की लाइट के अंदर आपको तीन कलर वैल्यूज देखने को मिलेगी पहला ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे ठीक है अब ध्यान से समझना ब्लैक क्या काम करता है ब्लैक काम करता है एज अ बैकग्राउंड का इट मीन्स जितना साइड वाला पार्ट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ब्लैक होगा इट मीन उतना आपको क्लियर बैकग्राउंड इमेज दिखेगी अब बात करते हैं वाइट जितना यहाँ पे वाइट वाला पार्ट होगा उतना क्या होगा आपको फोरग्राउंड दिखेगा इट मीन्स जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपको दिखेगा थर्ड थिंग अगर यहाँ पे ग्रे कलर बसता है तो आपको देखने को मिलेगी ट्रांसपेरेंसी इट मीन्स फोरग्राउंड से बैकग्राउंड आपको विजिबल होगा आपको थोड़ा बहुत दिखेगा ठीक है अब यहाँ पे समझते हैं वाइट हमें समझ आ गया ब्लैक हमें समझ आ गया लेकिन ग्रे का यूज़ कब करना है ठीक है सो अभी मैं आप इसे कर रहा हूँ सिंपली फाइनल रिजल्ट अब सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ अभी इसको ध्यान से आप लोग समझना जैसे मान लो मैं यहाँ पे गया स्क्रीन मैट के अंदर और अभी मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू कर रहा हूँ अराउंड फिफ्टी और यहाँ पे इसे कर रहा हूँ फिफ्टी टू राउंड ठीक है और यहाँ पे इसे मैं कर रहा हूँ क्या स्क्रीन मैट सो so कि हमें ग्रे कलर का यूज कब करना चाहिए ध्यान रखना कभी भी ग्रे कलर आपके सब्जेक्ट के ऊपर नहीं आएगा ग्रे कलर हमेशा सब्जेक्ट के एजिस में आएगा इट मीन्स आप यहाँ पे देखो इसके साइड बॉर्डर्स में आएगा ठीक है अगर जैसे मान लो हम इसे यहाँ पे प्योर व्हाइट कर देते हैं सो क्या होगा यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से शार्प दिखेगा ये ब्लैंड नहीं करेगा बैकग्राउंड के साथ सो दैट इज द रीज़न कि कभी भी आप लोग अगर ग्रे कलर को यूज कर रहे हो मेक श्योर sure इस वाले पार्ट में ना आए बीच वाले पार्ट में बट आपको साइड में उसको कही कहीं ना कहीं ऐड करना पड़ेगा ग्रे कलर को अगर आप नहीं करते हो सो so, वो क्या होगा वो ट्रांसपेरेंट साइड में नहीं हो पाएगा सो इट जस्ट लाइक अगर हम फोटोशॉप में किसी भी इमेज को कट आउट कर रहे हैं सो इन द लास्ट हम लोग क्या करते हैं उस इमेज के ऊपर यूज करते हैं फैदर ठीक है फेदर से क्या होता है साइड के जो पिक्सल्स होते हैं वो आपको थोड़े सही देखने को मिलते हैं सो सेम विथ दिस अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो कुछ इस टाइप से सो मेक श्योर यहाँ पे आपको यूज करना है ग्रे कलर ठीक है so, सो मैं अभी आप इसको बाय डिफॉल्ट रीसेट कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से अब ये ब्लेंड हो रहा है अब अभी भी हमें पे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है इसको फिक्स करते हैं सो मैं सिंपली यहाँ पे गया स्क्रीन मैट के अंदर और इसके बाद मैं क्या करूँगा सिंपली मैं वाइट को और वाइट करूंगा इनहेंस करूंगा और ब्लैक को और ब्लैक करूँगा ठीक है so सो यहाँ पे ऑप्शनस मिलते हैं क्लिप ब्लैक आपको यहाँ पर सिंपली से इसकी वैल्यूज़ को इंक्रीज करना है इनकी वैल्यूज़ को गाइस कभी भी एक साथ आपको इंक्रीज नहीं करना है धीरे धीरे नंबर्स आपको यहाँ पे बढ़ाने हैं सो so इसको आप थोड़ा कम कर लो नाउ सी वाइट और वाइट हो रहा है मेक श्योर अगेन एज इसका आपको ध्यान रखना है कुछ इस टाइप से सो so, थोड़ा बहुत और बढ़ा लो इसके बाद आप यहाँ पे सिंपली इसे यहाँ पे कर दो वापस से फाइनल रिजल्ट फाइनल रिजल्ट का मतलब क्या होता है ये आपको कंप्लीट यहाँ पे चीज़ें दिखलाएगा इफ़ यू थिंक यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है अगेन आप लोग यहाँ पे इसको अपने हिसाब से चीज़ों को सेट कर सकते हो सो so, यहाँ पे बात करेंगे स्क्रीन गेन की सो so, अगर मैं यहाँ पे सिंपली स्क्रीन गेन को अगर यहाँ पे कम करता हूँ लेट सपोज 50 सो so क्या होगा यहाँ पे कुछ इस टाइप से हमें शो कर रहा है सो so, बेसिकली यहाँ पे स्क्रीन गेन ये बताता है कि जो कलर है वो कितना रिमूव हुआ है इट मीन्स कि उसकी जो परसेंटेज है वो कितनी कम हुई है ठीक है कभी भी ध्यान रखना अगर आप इसको ज़्यादा बढ़ाओगे लेट सपोज 150 फिफ्टी हम इसे यहाँ पे करते हैं सो so क्या होगा आपका सब्जेक्ट खराब होना शुरू हो जाएगा कुछ इस टाइप से ठीक है अगर मैं आप इसे 200 कर देता हूं नाउ सी ठीक है सो मेक श्योर इसको ज्यादा ना छेड़े आप लोग इसे आप कर दो यहाँ पे रीसेट इसके बाद क्या होता है स्क्रीन बैलेंस अब बेसिकली क्या होता है ना अगर मैं पे स्क्रीन बैलेंस को इंक्रीज करता हूँ नाउ सी ये क्या कर रहा है ये जो आपका ग्रीन कलर है ये उसके सेचुरेशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ लेट सपोज यहाँ पे गया मैं ठीक है यहाँ पे क्या हो रहा है ग्रीन कलर के यहाँ पे मल्टीपल शेड्स हैं ठीक है मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिर्फ एक कलर यहाँ पे नहीं है ग्रीन यहाँ पे कुछ लाइट है कुछ डार्क है सो so, बैलेंसिंग का काम भी यहाँ पे यही होता है कि ये क्या करेगा ना ओवरऑल कलर को एक बैलेंस करने की कोशिश करेगा ठीक है सो आप लोग यहां पे इसे ठीक कर सकते हो एज पर द फुटेज रिक्वायरमेंट इसे यहाँ पे करते हैं रीसेट अब यहाँ पे समझते हैं फॉर एग्जाम्पल डिस्पिल बायस एंड अल्फा बायस इसका काम क्या होता है अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इंटरमीडिएट रिजल्ट सो क्या होगा हमें हमारी फुटेज का जो भी ग्रीन पार्ट फोरग्राउंड के ऊपर पड़ रहा है वो हमें शो करेगा डिस्प्ले वाला पार्ट अब जैसे मान लो कभी भी आपको ऐसे प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलती है सो इन दैट कंडीशन वट यू नीड टू डू इज सिंपली जाओ डिस्पिल में और यहाँ पे इसका स्किन इस कलर यहाँ पे पिक कर लो कुछ इस टाइप से सो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ठीक है और यहाँ पे से कर दो फाइनल रिजल्ट सो बेसिकली जो भी आपकी साइड के ये इश्यूज होंगे ये फिक्स हो जाएंगे ठीक है और आप यहाँ पे इसको डिस्प्ले कर सकते हो कुछ इस टाइप से सो so, अभी मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ रीसेट अभी हमें यहाँ पे इसकी नीड नहीं है देखो थोड़ी बहुत नीड है सो so, आप लोग इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो अगर आपको इसे मैनुअली करना है सो so आप इसे अनटिक कर सकते हो कुछ इस टाइप से ठीक है ना सो so, यहाँ पे अब समझते हैं स्क्रीन प्रीबिलर अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज को करता हूँ फिफ्टी नाउ वट विल हैपन यहाँ पे क्या हो रहा है इसके जो साइड जो बॉर्डर्स हैं ठीक है थीके? वो इसको ब्लर कर रहा है ठीक है ना कुछ इस टाइप से इसको भी एक बार करते हैं रीसेट और वापस से मैं यहाँ पे गया स्क्रीन मैट के अंदर सो जब आप ग्रीन कलर को रिमूव करते हैं की लाइट की हेल्प से या किसी भी एक कलर को सो अपनी फुटेज को करेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्क्रीन मैट का और स्क्रीन मैट के अंदर हमें यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया क्लिप ब्लैक क्लिप ब्लैक से क्या करना है आपको बेसिकली ब्लैक वाले पार्ट को और ब्लैक करना है क्लिप व्हाइट से आपको क्या करना है व्हाइट वाले पार्ट को और व्हाइट करना है ठीक है अब यहाँ पे आपको एक मिलता है क्लिप रोल बैक इसको समझते हैं जैसा कि अगर मैं यहाँ पे इसे करता हूँ सिंपली फाइनल रिजल्ट और यहाँ पे मैंने क्या किया इसको कर दिया अराउंड फिफ्टी माइनस टू सॉ इसे हम यहाँ पे कर देते हैं फिफ्टी टू ठीक है एक तरीके से सो so, अभी आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी सो बेसिकली क्लिप रोल बैक यहाँ पे इसके साइड के एजिस को थोड़ा फैदर करेगा नाउ सी ठीक है सो क्लिप रोल बैक यहाँ पे कुछ इस टाइप से काम करता है इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है स्क्रीन श्रिंक ग्लो अगर मैं यहाँ पे इसको इनहेंस करता हूँ इंक्रीज करता हूँ सो so, क्या करेगा ये इसका एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे निकालना शुरू कर देगा ग्रे पार्ट का ठीक है ना जो ग्रे पिक्सल्स हैं उनको यहाँ पे निकालना शुरू कर देगा कुछ इस टाइप से। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है स्क्रीन, अगर मैं यहाँ पे जाता हूं, let's suppose, इसको सॉफ्टन so, यहाँ पे? यहाँ पे करना शुरू कर देगा ठीक है ना इट मीन सॉफ्ट अब इसके बाद यहाँ पे आता है स्क्रीन डी स्पॉट ब्लैक एंड स्क्रीन डी स्पॉट व्हाइट इसको समझते हैं so, अभी मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ रिसेट अब मैंने क्या किया वापस से यहाँ पे इसे किया मैंने स्क्रीन मैट अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सिंपली एक ले रहा हूँ एलिप्स टूल आपको समझाने के लिए सॉरी अलग से ले रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैंने इसे कर दिया ब्लैक ठीक है इसको आप समझना फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे मान लो आपने यहाँ पे ग्रीन कलर को रिमूव किया बट फोरग्राउंड के ऊपर कोई पैच रह गया ब्लैक स्पॉट या कोई ब्लैक कलर का यहाँ पे कोई पैच रह गया सो so, इसको ठीक करने के लिए आप लोग क्या करोगे सिंपली यहाँ पे स्क्रीन स्पॉट ब्लैक को बढ़ाओगे जैसे ही आप इसको बढ़ाओगे सो so, जो बीच का जो पार्ट है ये वाला ये इसको फिल करना शुरू कर देगा सेम जैसे मान लो इसका उल्टा होता है जैसे मान लो अगर आप लोग यहाँ पे स्क्रीन स्पॉट वाइट को बढ़ाते हो सो so, ब्लैक वाले पार्ट में जो वाइट वाले पैचेस होंगे ये उसको ठीक करना शुरू कर देगा ठीक है सो ये कुछ इस टाइप से काम करता है इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डिलीट सो यहाँ पे हमें मिलता है रिप्लेस मेथड। अगर मैं यहाँ पे इसका कलर यहाँ पे करता हूँ चेंज रेड नाउ वी कैन सी। इसके इस वाले पार्ट में रेड कलर हो गया ये कौन सा पार्ट है जिस पार्ट के ऊपर हमारा ग्रीन कलर पड़ रहा था हमारे सब्जेक्ट के ऊपर ठीक है सो so, हम यहाँ पे इसको कुछ भी चेंज कर सकते हैं लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसे करता हूँ सिंपली सोर्स सो क्या होगा जो ग्रीन कलर इसके ऊपर एक्चुअल में पड़ रहा था वो यहाँ पे सेम कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा और अगर आप यहाँ पे ऐसे कर दोगे नन सो फिर यहाँ पर यह ब्लैक कलर आ जाएगा ठीक है सो कुछ इस टाइप से यहाँ पे वर्क करता है अब इसके बाद यहाँ पे समझेंगे हम लोग इनसाइड मास्क अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड करी ग्रीन स्क्रीन की ठीक है किसी पार्ट की डिटेल्स खराब हो रही है आपके फुटेज के अंदर या तो बाय डिफ़ॉल्ट की लाइट उस वाले पार्ट को अच्छे से इनहेंस नहीं कर पा रहा और आपको उस पर्टिकुलर एरिया की डिटेल चाहिए सो इन दैट कंडीशन आप लोग क्या यूज़ कर सकते हो इनसाइड मास्क अब जैसे मान लो मैं सिंपली यहाँ पर गया और मैंने अपनी फुटेज को यहाँ पे किया सिलेक्ट और मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि मुझे इतने पार्ट की यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे चाहिए ठीक है समथिंग लाइक दिस और यहाँ पे इसे मैंने कर दिया नन अब क्या करना है आपको सिंपली यहाँ पे जाना है इनसाइड मास्क और यहाँ पे करो मास्क वन नाउ सी कुछ इस टाइप से आपको डिटेल्स मिल जाएंगी और आप लोग यहाँ पे इसका मास्क फायदा बढ़ा सकते हैं इसे इन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से ठीक है ना और अगर मैं यहाँ पे इसे करता हूँ नन नाउ सी कलर का आपको यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेगा इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है रिप्लेस मेथड अगर आप यहाँ पे चाहते हैं आपको इसे सॉफ्ट करना है सो ये सॉफ़्ट कर देगा हार्ड करना है इसे हार्ड कर देगा इफ़ यू वांट कि जो एक्चुअल फुटेज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आए सोर्ट्स कर दो तो सोर्ट्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ठीक है नन भी कर सकते हैं सॉफ्ट कर लेते हैं इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अनटेक अब इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है आउटसाइड मास्क इसको समझते हैं और इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ इसको कर रहा हूँ मैं डिलीट इसकी नीड नहीं है और मैंने क्या किया जैसे मान लो एक मास्क ड्रॉ किया इस बार मैंने यहाँ पे साइड में ड्रा किया इट मीन्स कुछ इस टाइप से ठीक है आउटसाइड अपना जो भी हमारा फोरग्राउंड है उसके अपोजिट में या उसके साइड में और इसे कर दिया नन और सिंपली मैं यहाँ पे गया आउटसाइड मास्क के अंदर और यहाँ पे इसे कर दिया मैंने मास्क टू ठीक है अब ये क्या करेगा जो भी आपके फोरग्राउंड के साइड में अनवांटेड चीज़ें हैं उसको काउंट ही नहीं करेगा उसको रिमूव कर देगा कुछ इस टाइप से ठीक है जैसे मान लो यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन है और साइड में यू you नो know, कुछ ट्रैकिंग uh, पॉइंट्स है या कुछ यू you नो know, कुछ पिलर्स हैं तो आप उसको वहाँ पे रिमूव कर सकते हो बाय सिंपली यूजिंग आउटसाइड मास्क सेम ऑप्शन होते हैं फैदर कर सकते हो यहाँ से इसे इन्वर्ट कर सकते हो ठीक है इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डिलीट अब यहाँ पे समझते हैं फोरग्राउंड कलर करेक्शन अब फोरग्राउंड का मतलब क्या होता है जो हमारा सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो वीडियो के ऊपर है अगर मैं ऐसे इसे ऑन करता हूँ लेट सपोज एनेबल कलर करेक्शन सो क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे इसका सचुरेशन चेंज कर सकते हो ठीक है कुछ इस टाइप से एज पर द बैकग्राउंड जो भी आपका बैकग्राउंड का कलर है इसका कॉन्ट्रास्ट चेंज कर सकते हो इसका ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो और यहाँ पे आप लोग इसका कलर भी इनहेंस कर सकते हो एज पर योर नीड ये बेसिक ऑप्शन है आप लोग यहाँ पे इसे देख लेना इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है विच इज कॉल्ड साइट कलर करेक्शन ये काफी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए मैंने क्या किया सिंपली यहाँ पे इसे अनेबल किया जैसे मैं यहाँ पे इसे ऑन करूँगा सो क्या होगा इसके जो भी एजिस होंगे उसके ऊपर आप कलर्स डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग ठीक है इट मीन्स एज पर द बैकग्राउंड सो यहाँ पे आपको ब्राइटनेस बढ़ानी है सिंपली यहाँ पे जाओ कलर बैलेंसिंग के अंदर और यहाँ पे जो भी आपका बैकग्राउंड का कलर है उसके अकॉर्डिंग नाउ सी अभी मैंने आप इसे येलो कर दिया आप इसे ब्लू कर लो सो so ये एक तरीके से लाइट का ट्रैप का काम कर रहा है अब अगर मैं सिंपली यहाँ ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे इसे करता हूँ कलर करेक्शन एजिस सो क्या होगा हमें यहाँ पे एजिस यहाँ पे देखने को मिलेंगे ठीक है ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आप लोगों ने आई थिंक अभी ट्राई नहीं किया होगा कुछ लोगों ने ट्राई किया होगा बट ये काफ़ी यूजफुल है ठीक है वापस करते हैं और यहाँ से आप लोग इसका अगेन सचूरेशन कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं इसे अभी मैं ऑफ कर रहा हूँ अब इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सोर्स क्रॉप अब सोर्स क्रॉप क्या होता है सिंपली जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे इसको लेफ़्ट से यहाँ पे कुछ इस टाइप से करता हूँ सो so, ये क्या करेगा इसका पार्ट इतना क्रॉप करना शुरू कर देगा ठीक है लेफ़्ट से क्रॉप कर सकते हैं राइट right से क्रॉप कर सकते हैं बॉटम से अपने अकॉर्डिंग ठीक है सो यहाँ पे इसकी इतनी नीड नहीं पड़ती है बट ये अगेन अगर आपके फुटेज के साइड में कोई अनवॉन्टेड चीज़ें हैं सो so आप लोग बिल्कुल यूज़ कर सकते हो बट आई थिंक इसका उतना काम नहीं पड़ेगा और यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलते हैं आप इसे रिपीट कर सकते हो यहाँ पर आप लोग इसे रिफ्लेक्ट कर सकते हो ठीक है और रैप कर सकते हो सो कुछ इस टाइप से ठीक है सो इसको मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ रीसेट अब यहाँ पे चलते हैं ऊपर ठीक है अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन समझेंगे सबसे पहले सोर्स सोर्स का, का काम करता है जो भी आपकी एक्चुअल फुटेज होगी वो आपको शो करेगा यहाँ पे कुछ इस टाइप से ठीक है आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ रिसैम्पलिंग के लिए जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है सोर्स अल्फ़ा ये बेसिकली आपका ऑल ओवर एक अल्फ़ा शो करता है जो भी आपके फुटेज का अल्फा होता है इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है करेक्ट सोर्स अगर मैं यहाँ पे इसे क्लिक करता हूँ नाउ वी कैन सी अभी हमने यहाँ पे एक बैकग्राउंड ले रखा है बट यहाँ पे बैकग्राउंड शो नहीं कर रहा अगर मैं यहाँ पे इसे करता हूँ फाइनल रिजल्ट सो ये कम्प्लीट हमें चीज़ें दिखला रहा है जो भी कंपोजिट हमने करी है बट अगर मैं यहाँ पे इसे करता हूँ करेक्ट सोर्स तो सिर्फ ये हमें हमारी फुटेज शो करेगा ठीक है जो भी हमारी यहाँ पे फुटेज है और ब्लैक बैकग्राउंड इसके बाद यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ कलर करेक्शन एजेस सो क्या होगा ये यह हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप से एजेस प्रोवाइड करेगा इसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्क्रीन मैट ये आपको पता ही है वाइट को और वाइट करने के लिए ब्लैक को और ब्लैक करने के लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन भी मिलते हैं इसके बाद यहाँ पर इंसाइड मास्क सो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया था इंसाइड मास्क सो ये इनसाइड मास्क वाले फीचर एक्टिव कर देगा अभी हमारे पास यहाँ पे कोई मास्क नहीं है सो यहाँ पे हमें चीजें नहीं मिल रही देखने को इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है आउटसाइड मास्क अगेन यहाँ पे आउटसाइड मास्क के यहाँ पे फीचर्स प्रोवाइड कर देगा बट अभी हमने यहाँ पे मास्क यूज नहीं कर रखा इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है कम्बाइन मैट कम्बाइन मैट क्या करता है बेसिकली जितने भी आपके ऊपर के ऑप्शन हैं इनसाइड मास्क आउटसाइड मास्क सोर्स अल्फा इन सबको आपस में कंबाइन कर देता है ठीक है इसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है स्टेटस ये काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है सो बेसिकली स्टेटस क्या करता है जैसे मान लो जो भी पार्ट आपका अनवॉन्टेड पार्ट होगा इट मीनस जो भी आपका ग्रे कलर होगा वो आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देगा ठीक है जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि हम लोगों लो को पता चलता नहीं कि कहाँ पे ग्रे पार्ट है हम यहाँ पे स्क्रीन मैच करते हैं सो कई बार चीज़ें ना चलती नहीं है पता सो उस टाइम पे आप लोग यहाँ पे इसे कर सकते हैं स्टेटस सो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है हमारी फुटेज में वो कहाँ कहाँ पर है ठीक है इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं इंटरमीडिएट रिजल्ट सो क्या होगा बेसिकली आप यहाँ पे इसका जो ग्रीन स्पिल है वो यहाँ पे देख पाएंगे कुछ इस टाइप से इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है फाइनल रिजल्ट जैसा कि आप लोगों को पता है ये आपको कंप्लीट आउटपुट यहाँ पे देगा इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ की क्लीनर सो so, क्या होगा की क्लीनर क्या करता है बेसिकली यहाँ पे देखते हैं हम इसको सो so, यहाँ पे क्या करता है ये इसको मैं एक बार अगेन रिसेट कर लेता हूँ और यहाँ से पिक कर लेते हैं ठीक है और यहाँ पे इसे कर लेता हूँ मैं अराउंड फिफ्टी माइनस टू ठीक है जैसे आप यहाँ पे की क्लीनर ऐड करते हैं सो यहाँ पे जो भी इसके साइड के जो एजेस होते हैं ठीक है वो उनके पिक्सल्स को इनहेंस करता है इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडवांस स्पिल सप्रेशर और यहाँ पे कुछ इस टाइप से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो सो so बेसिकली जो भी आपका यहाँ पे ग्रीन पार्ट होगा ये उसको रिमूव कर देगा अदरवाइज आप लोग तो क्या कर सकते हैं सिंपली आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे ऐड कर दो की लाइट ऊपर वाला ऑप्शन इसमें आपको सारे यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं सिंपली यहाँ पे करो कलर पिक नाउ सी और आप यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है ना अगर मैं यहाँ पे इसकी आइज़ को ऑन ऑफ करता हूँ तो so अभी आपको यहाँ पे बहुत माइनर यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा ऐसा क्यों क्योंकि अभी हमारी फुटेज का यहाँ पे जो भी सेचुरेशन पॉइंट है कलर का वो काफी सही है इसकी लाइटिंग काफी अच्छी थी इस वजह से ठीक है और दूसरी बात अभी यहाँ पे ये यह जो हम यूज कर रहे हैं फुटेज ये अच्छी क्वालिटी की फुटेज है अब इसके बाद एक चीज यहाँ पे समझते हैं वो क्या है अभी मैं यहाँ पे इसके अंदर जा रहा हूँ अभी गाइज मैंने आपको यहाँ पे एक मास्क यहाँ पे ड्रॉ करवाया था ठीक है अब हम समझते हैं विदाउट मास्क के कैसे काम कर सकते हैं सो so, इसके लिए मैं यहाँ पे इस मास्क को कर रहा हूँ यहाँ पे डिलीट कुछ इस टाइप से अब क्या करना है आपको सिंपली सो so, यहाँ पे मैंने इसे ओपन कर लिया है इसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ सम की लाइट और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सिंपली कलर पैक इसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे गया इंटरमीडिएट रिजल्ट के ऊपर और यहाँ पे मैंने इसे कर दिया सिंपली uh, यहाँ पे गए स्क्रीन मैट के अंदर और यहाँ पर जो भी इसका श्रिंक वैल्यू है स्क्रीन श्रिंक वैल्यू इसे मैंने यहाँ पे कर दिया एट्टी ये एजा मास्क की तरह यहाँ परफॉर्म करेगा आप यहाँ पर इसको नाइन्टी भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग ठीक है एज पर द सब्जेक्ट सो नाउ वेकेंसी यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे चेंज होगा इसके बाद क्या करो इसके ऊपर एक यहाँ पे आप लोग की लाइट और यूज़ कर सकते हैं अदरवाइज इसे एक बार फ्रीकम्पोज करो ठीक है और यहाँ पे ओके प्रेस करो सो इन द लास्ट आप लोग क्या करेंगे जब सीन यहाँ पे कंपोजिट हो जाएगा सो so आप इसके ऊपर से अप्लाई कर सकते हैं सम नॉइज ग्रेन और आप लोग ऐड कर सकते हैं सम कलर करेक्शन अपने अकॉर्डिंग सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था आई होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो आपको वीडियो समझ में आई हो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें इसके अलावा कुछ भी डाउट्स होते हैं वीडियो के रिगार्डिंग आप लोग कमेंट कर सकते हैं एंड आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर हम लोग वहाँ पर कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं अपने काम के रिगार्डिंग सो तब तक के लिए गाइस टेक केयर बाय मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में